आपको यकीन के साथ कहता हूं कि काबा शरीफ में 360 पत्थर रखे हुए थे। सरकार पर दुरूद ना पढ़ा, सबको निकाल दिया गया। एक संगे अस्वद था, दुरूद पढ़ा, उसे जो बाहर था अंदर कर दिया गया। उससे आगे जाए शैतान को सिर्फ अगर दुश्मनी थी तो आदम अलैहि सलाम से क्यों? इसलिए कि वो मिट्टी है। आदम अलैहि सलाम मिट्टी से उनकी उपज हुई थी और शैतान आग था। मगर हम गुरूर नहीं करते। अगर आप जन्नत जाना चाहते हैं तो यकीन के साथ कहता हूँ किस चीज की जरूरत है मुलाजा फरमाएगा कि खोद ना जा पाओगे। हाँ खोद ना जा पाओगे तुम्हें इनका दाना ने छोड़ के। खोद ना जा पाओगे तुम्हें इनका दाना ने छोड़ के। खोद ना जा पाओगे तुम्हें इनका दाना ने छोड़ के। कि है पेश करा मुलाजा फरमाए। इजहार हकीकत है, कोई फसाना नहीं। आज में हा आज में जो कुछ हूं जैसा हूं मैं। हा आज में जो कुछ हूं जैसा हूं इन्हीं का फैज है। आज में जो कुछ हूं जैसा हूं इन्हीं का है करम। आज में जो कुछ हो जैसा हो इन्हीं का है करम। के आज में जो कुछ हो जैसा हो इन्हीं का है करम। के बिल्ली की नौशाद पर इनका बड़ा एहसान है। से खूब मिलता हर घड़े है आन है। इनके जिंदा नहीं हमें ये हमारे जान है। इनके सदते जाओगा जन्नत मेरा ईमान है। देखिए खतीब यूरोप एशिया हजरत अबुल हक्कानी साहब ने एक मतलब कहा था कि अगर ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे हवाई अड्डे पर किसी मुसलमान को देखे देखो डाउट हो कि किधर वाला है, इधर वाला है या उधर वाला है, तो या रसूल अल्लाह कह दो, क्लियर हो जाएगा। अगर चेहरा खिले तो समझ लो अहले सुन्नत है। मैं भी महसूस करता हूँ हुजूर सैयद अफजल मियां क़िबला दावत बरकातुल कुदसिया से मोहब्बत का हर शख्स दावा करता है, लेकिन
حقیقت میں اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں، بس اس کے سامنے سرکار کی تہنیت پیش کر دو، توصیفی جملے پیش کر دو۔